में से गाइस बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी तो नैनो की सीरीज चल रही थी तो ये पुंटो या ये स्प्रे कैन ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। ट्रस्ट मी गाइस, दिस वीडियो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नैनो ऑडियो प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक्चुअली मैंने नैनो में यूज़ की थी एंड मैं इसकी डिटेल आपको बताए बिना उसका एक वीडियो नहीं कर सकता, जो कि है एम्पलीफायर इंस्टॉल का, क्योंकि उसमें बैटरी डायरेक्टली रिलेटेड होती है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, हाउ आर यू। सो इस वीडियो को करा जाएगा स्टार्ट। सो गाइस, किसी भी अच्छे कार ऑडियो इंस्टॉल की सबसे पहली चीज़, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है गाइस? उसकी बैटरी। एंड अगर बैटरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई तो आप कभी भी एक अच्छा ऑडियो सिस्टम नहीं यूज़ कर सकते। मेरे साथ हो चुका है, नैनो के अंदर मैंने बहुत सारा कोशिश कर ली थी लेकिन बाद में पता चला कि उसकी बैटरी ख़राब है, तो बैटरी चेंज करने के बाद ही आउटपुट गजब हो गया था। वो पर्टिकुलर वीडियो भी एक अपने आप में एक किस्सा है, सो मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो आप देख लेना। सो ये जो चीज़ है एक्स्ट्रा आर्म और बैटरी टर्मिनल कोट, ये बेसिकली करता क्या है, जो हमारे ये टर्मिनल्स हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव किसी भी बैटरी के अंदर, चाहे वो कार की हो चाहे बाइक की हो, हमें उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। देसी जुगाड़ भी हैं, अगर हम यहाँ पे जो वैसलीन होती है वो यहाँ पे टर्मिनल्स पे लगा देंगे तो डस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं बैठती। तो सबसे पहली चीज़ है इसको अच्छी तरह से हमें क्लीन करना ज़रूरी है, कपड़े से, वायर ब्रश से या किसी भी चीज़ से, आप बस जितनी डस्ट हटा सको हटा दो, और नई बैटरी ले रहे हो तो टर्मिनल्स को क्लीन करके सब कुछ हटा दो। एंड उसके बाद गाइस जब एक अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा, मतलब इट विल टेक टाइम, मुझे काफ़ी 15-20 मिनट लग गए हैं इस लेवल तक क्लीन करने में। अभी मैं कुछ साथ सारे स्क्रीन जितने भी शॉट्स हैं मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। एंड उसके बाद भी ये 100% क्लीन नहीं है, 100% क्लीन है, बिना खोले हो नहीं सकता क्योंकि, एंड मेरे पास अभी एक वायर ब्रश भी नहीं है, वो भी दिक्कत थी है। सो इन एनी केस जितना भी आपसे ये मैक्सिमम क्लीन हो जाए उतना तो आप कर ही देना। एंड उसके बाद गाइस एक कोट इसका, एंड अब ये जो चीज़ है ये मैं आपको दूसरे शॉट में बताता हूँ जब इसका स्प्रे में यूज़ करूँगा। सो हमें सबसे पहली बात तो इसको यहाँ से कवर करना ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो बैटरी गाइस जितनी क्लीन हो सकती थी मेरे से, अभी मेरे पास लिमिटेड इक्विपमेंट की वजह से उतनी मैंने कर दी है, बोथ द नेगेटिव साइड एंड द पॉजिटिव साइड। सो इसका काम तो भी हो गया। एंड अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यह एक्स्ट्रा आर्मर ब्रांड का गाइस बैटरी टर्मिनल कोट है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स पे, फार्म इक्विपमेंट में या फिर वर्कशॉप में, मशीनरी पे, बेसिकली जहाँ पे भी कोई टर्मिनल होगा वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो। सो इसके अंदर से क्या, बेसिकली एक लिक्विड निकलेगा ब्लू कलर का एंड वो यहाँ पे आप स्प्रे कर दोगे, वो कुछ टाइम के बाद हो जाता है हार्ड। हार्ड होने के बाद ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्ट करेगा, लिक्विड रहेगा तो वो खुद ही खराब हो जाएगा डस्ट वगैरह से, बट वो हार्ड हो जाता है थोड़ी देर के अंदर ही। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिफोर एंड आफ्टर दोनों का शॉट दिखाऊं। सो अभी मैं इसको स्प्रे करता हूं, यहां पे हमें इसको पैक करना पड़ेगा क्योंकि इसके डायरेक्टली नहीं स्प्रे कर सकते, एंड डायरेक्टली करेंगे तो चारों तरफ फैलेगा क्योंकि इसके अंदर कोई वो पतली पाइप वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि बड़ा थिक है ये एंड काफ़ी वेटेड भी है। सो इसको मैं पैक करता हूं फिर आपको स्प्रे करके दिखाता हूं। ऑलराइट गाइस, सो मैंने मास्किंग कर दी है जितनी पॉसिबल थी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया है बट मैं इसी डायरेक्शन में इसको स्प्रे करूँगा। सो मैंने इसका कैप भी हटा लिया हुआ है, तो उसको अच्छी तरह से शेक करा जाएगा, शेक शेक शेक। एंड ये जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसको यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर लिया हुआ है, सो ये हाल वहीं से है। इसको मैं प्यार से यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि जो इसमें लिक्विड है वो काफ़ी थिक है। सो चेक इट आउट, अभी इसका कलर चेंज कर देते हैं, एंगल ख़राब, देयर वी गो। चेक इट आउट गाइस, चेक इट आउट, अभी ये बिल्कुल गीला है, थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, बोथ साइड्स हैव बीन डन एंड अभी ये बिल्कुल वेट है तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे हल्का सा कम है, मैं एक बार हल्का सा यहाँ पर स्प्रे कर देता हूँ, देयर वी गो एंड इट विल लुक लाइक दिस। अभी कुछ देर से सूखने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सूखने के बाद कैसा लगता है। ऑलराइट गाइस, अभी ये सूख रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार गाड़ी को स्टार्ट ही कर लेता हूँ, सो शायद थोड़ी सी जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा उसमें से फ्लो करेगी तो ये जल्दी सूख जाएगा, सो कर लेते हैं। ऑलराइट, द कार हैज़ बीन स्टार्टेड, बाकी स्टार्टिंग में जब मैंने इसे ऑन ऑफ किया था एक बार इनसफिशिएंट इंजन ऑयल प्रेशर आया, बट नाउ एवरीथिंग इज कूल। आप एक बार आइडल चेक करो, गाइस इट्स बीन 10 मिनट्स एंड इट इज़ लुकिंग लाइक दिस नाउ। थोड़ा सा इसकी शाइन में आ गई है कमी, बट ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी देर और लेगा ड्राई होने में, बट यू गाइस नो इट कि अब ये कैसा रहने वाला। एंड ये हार्ड पपड़ी टाइप जो होती है ना चीज़, ये कुछ वैसा बन जाएगा।
So there you have it, guys. This video is actually directly related to the Tata Nano Audio project, जो कि अभी चल रहा है चैनल पे. So मैंने इसको तभी बीच में डाला है, अदरवाइज मैं नहीं डालता. अब ये जो बैटरी का सीन किया, ये जब हम एम्पलीफायर इंस्टॉल करेंगे नैनो का, उसके अंदर भी मैंने यही सेम चीज़ की थी. उसके अंदर मैंने एक्चुअली बताया था कि मैंने ऐसा क्यों किया. सो गाइज, यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये हार्ड हो जाता है, एकदम पपड़ी जैसा बन जाता है, तो टर्मिनल्स बिल्कुल भी खराब नहीं होते, करोजन नहीं आती, कुछ नहीं होता, उस पर डस्ट भी नहीं लगती. सो अच्छी चीज़ है, मुझे काफ़ी पसंद आई है, तभी मैं आपसे कोई चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ. लिंक मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ. हाँ, डाल लूँगा अगर मिल गया तो. सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड अब मिलेंगे नैनो के प्रोजेक्ट में. तो नैनो का एम्पलीफायर इंस्टॉल करने की बस बारी रह गई है, उसके बाद हाइपरसोनिक या सोनी में से एक कंपोनेंट उसमें लगेगा. शायद आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि कौन सा कंपोनेंट लगने वाला है. सो अगर पता है तो यार डालो कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किस किस को नॉलेज है. तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक इट. एंड गाइस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, सो प्लीज डू चेक आउट द वीडियोस एंड प्लेलिस्ट सेक्शन. कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग. तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर एंड सी यू. बाय बाय.